हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube सब्सक्राइब करें। आप बैठे नहीं हैं, आप बैठाए गए हैं। इन्हीं सरकार सैयदना सुल्तान शहदा सरकार गाजी पाखी का वाकया है। एक बुजुर्ग हैं हजरते अब्दुल रज्जाक शाह रहमतुल्लाह ताला बांसा शरीफ में आपका मजार है। हजरते अब्दुल रज्जाक शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक नाई था, हजामत बनाने वाला। वो हर जुमा को आता और आपके बाल शरीफ को दुरुस्त करता। एक मर्तबा वो नाई वक्त से पहले पहुंचा और उसने अर्ज किया कि हुजूर आज हमसे आप अपना बाल बनवा लीजिए। तो आपने फरमाया कि ये तू वक्त से पहले क्यों आ गया। उसने कहा हजरत मैं बहराइच शरीफ जाना चाहता हूं, सरकार गाजी पाक के उर्स की तारीख आने वाली है। तो आपने फरमाया कि चले जाना बहराइच शरीफ। उसने कहा हजरत आज ही आप बनवा लो, मैं जुमा को तो बहराइच शरीफ जाऊंगा, जुमा को उर्स होने वाला है सरकार का। तो आपने फरमाया नहीं, मैं तुझसे जुमा ही को बनवाऊंगा बाल। उसने कहा अरे सरकार मैं कैसे बहराइच शरीफ को जाऊंगा। कहा भाई बहराइच शरीफ ही तो जाना है, चले जाना। कहा कैसे जाऊंगा, कहा मेरी जिम्मेदारी है तुझे बहराइच पहुंचाने की। उसने सोचा ठीक है, जब हजरत जिम्मेदारी ले रहे हैं तो कुछ सोच करके रुक गया। जब जुमा की तारीख आई, ये बाल दुरुस्त करने के लिए गया तो रोने लगा। आपने फरमाया रोते क्यों हो। उसने अर्ज किया सरकार जिंदगी में जब से हाजिरी देना शुरू किया था बहराइच शरीफ, आज तक हाजिरी से गैर हाजिर नहीं हुआ, आज गैर हाजिर हो रहा हूं उसमें जाने से। आपने फरमाया कि हर साल बहराइच शरीफ जाते हो। कहा हां सरकार। का इतनी मोहब्बत है। तब तक वो और रोने लगा। आपने फरमाया अच्छा बाल दुरुस्त कर दे, रोना तू बहराइच पहुंच जाएगा। कहा हुजूर अब कैसे पहुंचूंगा, आज ही तो फातिहा की तारीख है। कहा भाई घबराना, पहुंच जाएगा बहराइच शरीफ। जब बाल दुरुस्त कर चुका तो आपने फरमाया अच्छा आंखें बंद कर। तो उसने कहा हजरत आंखें बंद करूं। कहा हां बहराइच शरीफ जाना चाहता है ना। कहा सरकार और किस लिए रो रहा हूं, और अब कैसे बहराइच पहुंचूंगा। कहा सुन आंखें बंद कर, जब बहराइच शरीफ पहुंच जाना तो ये मेरी चिट्ठी भी लेते जा, अपने हाथ में पहले चिट्ठी ले ले। उसने चिट्ठी हाथ में ले लिया। आपने फरमाया जा, जब बहराइच शरीफ पहुंचेगा तू और जब जंजीरी फाटक से आगे बढ़ेगा तो देखेगा एक दरख्त के नीचे खूबसूरत नौजवान तुझे मिलेंगे, उनसे मेरा सलाम कह देना और ये चिट्ठी उन्हें दे देना, और वो जो जवाब देंगे उसका जवाब ले लेना। उसने कहा हुजूर ये क्या फलसफा आप हमें पढ़ा रहे हो, मैं तो यहां हूं, आप सारा कानून हमें बता रहे हो कि बहराइच शरीफ चले जाना, ये चिट्ठी लेकर जाना, ये करना वो करना। आपने फरमाया अच्छा आंखें बंद कर, चिट्ठी हाथ में ले ले। उसने आंखें बंद की। आपने फरमाया अब आंखें खोल दे। जब आंख खोलता है तो देखता है कि बहराइच शरीफ पहुंचा हूं, बहराइच शरीफ पहुंचा हूं। आवाज तो आई कि आंखें खोल दे, लेकिन अब अब्दुल रज्जाक शाह सामने नहीं है, आवाज उनकी आ रही है। आंखें खोला, बहराइच शरीफ पहुंचा है, हाजिर हुआ, आस्ताने का बोसा दिया, सलाम में हाजिर रहा, फातहे में हाजिर रहा और नजर पेश किया, अंदर से बाहर निकला। जो आपने निशानदेही की थी कि दरख्त के पास एक खूबसूरत नौजवान मिलेंगे, तब तक वाकई वो नौजवान नजर आए। इसने दौड़कर सलाम किया और अर्ज किया कि हजरत ये लीजिए चिट्ठी। आपने चिट्ठी लिया और लेने के बाद आपने भी कुछ पढ़ा और पढ़ने के बाद लिख दिया। फरमाया ये ले लो और अब तुम जाना चाहते हो। उसने कहा हजरत हाँ हमको तो जाना ही है। कहा जैसे आए थे वैसे चले भी जाओ। कहा आप भी आंखें बंद करके भेज सकते हैं यहां से। कहा बंद तो करो, आंख पहुंच जाओगे। उसने आंखें बंद की तो आंखें खोलने के बाद देखता है वाकई बांसा शरीफ पहुंचा है। देखा कि हजरत अब्दुल रज्जाक शाह सामने हाजिर हैं। उसने अर्ज किया कहा हुजूर मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा हूं। आपने फरमाया ख्वाब नहीं देख रहा है, तू बहराइच शरीफ से होकर के आया है, या हमारी चिट्ठी ला कोई जवाब लाया है। उसने जब चिट्ठी पेश किया
تو آپ پڑھ کر کے اس خط کو مسکرا پڑتے ہیں. اس بال تراش نے کہا حضور یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ آپ نے فرمایا تو جو کچھ دیکھ رہا ہے صحیح دیکھ رہا ہے, تو بہرائچ گیا تھا, تو نے فاتحہ پڑھی ہے, تو زنجیری فاٹک کا بوسہ دیا ہے, تو نے نوجوان سے ملاقات کی ہے, لیکن تو سمجھ نہیں سکا کہ وہی نوجوان تو غازی پاک تھے. اتنا سننا تھا وہ تڑپ گیا. اس نے کہا میری قسمت کا ستارہ ڈوب گیا, میں اپنے حضرت کو دیکھ کر کے اور خط کا جواب لے کر کے اور کچھ دلی مدعا عرض نہ کر سکا. اس نے پھر عرض کیا سرکار یہ خط کا معاملہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا صرف میں نے خط میں اتنا ہی لکھا تھا, اے سرکار غازی پاک آپ لوگوں کو کیوں اتنا پریشان کرتے ہیں کہ کوئی دھوپ کی تپش برداشت کرتے ہوئے چلا جا رہا ہے, دور دراز سے بھاگا ہوا چلا جا رہا ہے, کوئی رکتا ہی نہیں ہے آپ کے بلاوے سے, یہ آپ نے کیا کر دیا ہے؟ تو ادھر سے آپ نے جواب دیا اے عبد الرزاق جب تم اپنے ایک آنے والے کو نہ روک سکے تو میں ہزاروں آنے والوں کو کیسے روک دوں, ہزاروں آنے والے کو کیسے روک دوں؟ تو یہ ان کا کرم ہے, یہ جسے بلواتے ہیں وہ آتا ہے اور جسے کہتے ہیں بیٹھو وہ بیٹھا رہتا ہے.